Hi everyone, welcome back to my channel Concepts of Civil Engineering. My name is Anamika Gupta. Guys, आज के वीडियो में हम शेयर वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, एक नया टर्म है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है. जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनके अंदर शेयर वॉल्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टर्म है जिसका यूज़ इतना ज़्यादा किया जाने लगा है आज के टाइम में. तो क्या इसका यूज़ है और कंस्ट्रक्शन वर्क में किस तरीके से काम में आते हैं, किस वजह से हम इसको यूज़ में लेते हैं, वो सारा मैं आज के वीडियो में बताऊँगी. तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर वॉल्स आखिरकार क्या होती हैं. तो देखिए, शेयर वॉल्स एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो कि लेटरल फोर्सेस को रिमूव करने का काम करता है या फिर लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करने का काम करता है. ठीक है, अब ये लेटरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? आपका जो विंड लोड हुआ, सिस्मिक लोड्स हुआ, ये सारे लेटरल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, और सिस्मिक लोड्स यानी कि जब कभी अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक्स की वजह से जो फाउंडेशन उसके अंदर वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर भी क्या होगा, मूवमेंट होंगे. ठीक है, एंड मूवमेंट की वजह से बिल्डिंग हिलेगी. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम शेयर वॉल्स यूज करते हैं, यानी शेयर वॉल्स का कॉन्सेप्ट है वो आया. अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आखिरकार होता क्या है, यानी शेयर वॉल्स किस तरीके से वर्क करती है? तो देखिए, इस चीज को समझने के से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे जो बिल्डिंग कोड प्रोवाइड करवाए गए हैं, जितने भी बिल्डिंग बेलॉज प्रोवाइड करवाए गए हैं, एंड जितने भी ये जो इंटरनेशनल रेजिडेंशियल कोड दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, उन सबके अंदर आज के टाइम में शेयर वॉल्स का यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, अगर आपकी बिल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा हाई राइज है तो डेफिनेटली हमें शेयर वॉल्स लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अब एक बार हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करती है. तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, यहाँ पे आपको जो ऊपर वाले एरोज दिख रहे हैं फर्स्ट फिगर के अंदर, यानी ये जो एरो है ये क्या चीज़ है, ये है बिल्डिंग का सेल्फ वेट. ये जो जितना भी सेल्फ वेट है वो बिल्डिंग में नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगा रहा है. डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग है वो नीचे की तरफ बेंड करती है, यानी कि जो इसकी वॉल्स हैं वो नीचे की तरफ बेंड करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंड करने की वजह से क्या होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे बेंड कर रही है, दूसरी चीज़ जितने भी विंड लोड्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, हॉरिजॉन्टली लगेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो येलो कलर के एरो से आपको दिखाई दे रहा है वो सारे विंड लोड्स हैं. ठीक है, एंड हमारे जितने भी जो सिस्मिक लोड्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लगते हैं, यानी कि ये कहाँ से आते हैं, फाउंडेशन से होते हुए आते हैं. ठीक है, तो इन सबको रेजिस्ट करने के लिए हम एक ऐसी वॉल प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया गया होता है. ठीक है, एंड ये जो रेनफोर्स्ड वॉल होती है ये क्या करती है, जितना भी लेटरल लोड होता है उन सबको रेजिस्ट कर देती है. ठीक है, यानी कि कुछ हद तक जितने भी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जब विंड लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा तेज इंटेंसिटी का, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो रेनफोर्स्ड वॉल होती हैं वो सारे लोड को काउंटरैक्ट कर देती हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी विंड लोड की. ठीक है, अब सिस्मिक लोड्स में कैसे काम करती हैं, देखिए पहली चीज़ तो होती है जब वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. ठीक है, वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग में नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशंस उठते हैं एंड बिल्डिंग क्या करती है, वाइब्रेट करने लगती है. ठीक है, कंपन होने लगते हैं बिल्डिंग के अंदर. तो ये जो वॉल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा के क्या कर देती है, सारे लोड को रेजिस्ट कर देती है. यानी जितना भी सिस्मिक लोड था उसको क्या कर दिया, रेजिस्ट कर दिया. ओवरऑल इससे क्या हुआ, बिल्डिंग की जितनी टोटल हाइट थी उस टोटल हाइट में जितना भी लोड ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जितने भी वाइब्रेशंस नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, उस कंडीशन में ये जो वॉल है वो क्या कर देगी, सारे को रेजिस्ट कर देगी. ठीक है, तो ये हुआ इसका बेसिक प्रिंसिपल, इस तरीके से शेयर वॉल्स वर्क करती हैं. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये, हमें इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद में रखने बहुत ज़रूरी है, तो एक बार हम देख लेते हैं उनको भी. तो देखिए, पहला पॉइंट है द शेप एंड प्लान पोजिशन ऑफ शेयर वॉल इन्फ्लुएंसेज द बिहेवियर ऑफ शेयर वॉल्स. यानी कि जो बिल्डिंग का जो प्लान तैयार होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले, तो हमें उसके अंदर ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्डिंग जिस जगह पर बना रहे हैं वो जगह कौन से जोन के अंदर आता है, उसका जो अर्थक्वेक जोन है वो कौन सा है, वहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है. ठीक है, पहली चीज़ ये, एंड दूसरी चीज़ ये कि बिल्डिंग जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ की सॉइल कंडीशंस कैसी है. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी शेयर वॉल्स को. ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा पॉइंट है, शेयर वॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई राइज बिल्डिंग्स सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स. कहने का मतलब ये है, जितनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग होगी उतने ज़्यादा उसके ऊपर विंड लोड्स लगेंगे, और अगर दूसरे शब्दों में हम बोले तो बिल्डिंग पर लगने वाले विंड लोड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बिल्डिंग की हाइट के. तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतने ज्यादा विंड लोड लगेंगे, उतने ज्यादा बिल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए शेयर वॉल्स प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रॉपर
well designed and detailed buildings with shear walls are shown very good performance in past earthquakes. यानी कि पहले के टाइम में जितने जितने भी बिल्डिंग्स में शेयर वॉल्स का यूज़ किया गया है उन्होंने अर्थक्वेक्स के टाइम पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है. यानी कि जो बिल्डिंग के जो गिरने की संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, मिनिमाइज़ कर देती हैं. जो शेयर वॉल्स होते हैं बिल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस को बहुत मिनिमाइज़ कर देती हैं. इसलिए जो शेयर वॉल्स हैं इनको बिल्डिंग के अंदर लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो गाइज़ ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आगे से अगर आप कभी भी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाएं तो आपको ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है. ये हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ आप इसे अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए, या फिर जो भी कोई नया कुछ कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हैं उन्हें डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर बताइए आप. ठीक है, तो गाइज़ ये तो था मेरा आज का वीडियो. आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच.